दोस्तों जो हमारे बर्ड सेटअप में नीम की लकड़ियां लगी हुई थी, आज उन सभी लकड़ियों की हो रही है अच्छे से सफाई, क्योंकि इतने टाइम तक जब बर्ड इनके ऊपर बैठे तो ये बिल्कुल गंदी हो चुकी है। तो आप सभी जानते होंगे कि इनकी सफाई क्यों हो रही है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अब बर्ड्स का अगला ब्रीडिंग सीजन शुरू हो रहा है। मटियां लग रही है मेरे पूरे बर्ड सेटअप पर, और अभी दोस्तों आखिरी अगस्त का समय है, अब जाकर के मैं इस बार मटियां लगा रहा हूँ। इस बार मैं 15 दिन लेट हूँ। तो यहाँ पर ये कुछ जो है वो नीम की लकड़ियां हमने साफ कर दी है, जो कि हमारे बद्री तोतों की कॉलोनी में जल्द ही लगा दी जाएगी। और इसी के साथ ही यहाँ पर काफी सारी मटकियां पड़ी हुई है बर्ड के ब्रीडिंग करने के लिए, तो इन मटकियों की भी हमने हर साल की भांति सफाई कर दी है। और सफाई करने के बाद में अच्छी तरह से हमने इन मटकियों पर कलर भी कर दिया है, नया पेंट जो है वो कर दिया है। यहाँ पर आप देखेंगे पेंट वगैरह का कुछ मटेरियल पड़ा हुआ है, कल इन पे पेंट हुआ और आज अच्छे से सूख गई है मटकी और इनके सभी ढक्कन। और इस तरफ हमारा बर्ड सेटअप, इस बार दोस्तों बर्ड सेटअप की नई अपडेट आप सभी को बीकानेर बर्ड इंफॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पर जल्द ही दे दी जाएगी, तो आप जरूर एक बार वीडियो देखें जब हमारे नए बदीस पैरेट की कॉलोनी में बर्ड रिलीज किए जाएंगे। बदीस पैरेट की कॉलोनी तो पुरानी है, लेकिन कलर पेंट और लुक सारा नया हो चुका है। तो आप सभी को इस बार का हमारा बद्री तोतों की कॉलोनी का लुक काफी अच्छा लगने वाला है। तो चलते हैं कॉलोनी में और सफाई करते हैं, आगे के आज के इस टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। और बदीस पैरेट की कॉलोनी में यानी मास्टर केज में आने के बाद यहाँ ढेर सारे बद्री तोते पड़े हुए हैं। एक बड़ा जो पिंजरा जो इस बार बद्री तोतों से भर रखा है, और इस तरफ हमारे कॉकटेल बर्ड से एक पिंजरा हमने भर रखा है। दोस्तों ये काफी ज्यादा बेचारे परेशान हो रहे हैं और हमेशा आवाजें करके कहते हैं कि जल्दी हमें नए बर्ड सेटअप में रिलीज करो। दोस्तों बदीस पैरेट की कॉलोनी में हमने व्हाइट टाइल्स लगा रखी है। व्हाइट टाइल्स का फायदा ये होता है कि कितने भी गंदी हो कॉलोनी, अगर इसको साफ करके एक बार धो लिया जाए तो फर्श बिल्कुल चमकने लगता है, और जितनी बार भी सफाई करें फर्श एकदम चमक जाता है। तो इसलिए हमने इसके अंदर बदीस पैरेट की कॉलोनी में व्हाइट टाइल्स लगाई है। दोस्तों काफी ज्यादा गंदी हो गई थी कॉलोनी, तो हमने जो है वो अच्छे से इसकी जो है वो सफाई कर दी है। आप देखें इसके अंदर जो है वो व्हाइट टाइल्स में बर्ड की जो पोटी के दाग होते हैं वो काफी ज्यादा जमा हो जाते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि हम अपने बर्ड को साफ सुथरा रखने के लिए उनके बर्ड सेटअप को कितना साफ सुथरा रखते हैं, तब जाकर के दोस्तों हमारे बर्ड सभी बीमारियों से बचते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं मोहित पारिक और आप देख रहे हैं बर्ड्स विद मोहित यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ब्रीडिंग सीजन से पहले होने वाली ये सभी सफाइयों से क्या फायदा होता है। दोस्तों सबसे पहले तो आप जानते हैं कि कॉलोनी की सफाई हम इसलिए करते हैं, ब्रीडिंग सीजन शुरू हो रहा है तो इससे पहले एक बार कॉलोनी बिल्कुल नई दिखने लगती है। सफाई होने से बर्ड में जो है वो काफी तरह की बीमारियां नहीं होती, काफी तरह के इन्फेक्शन नहीं होते। दूसरा दोस्तों कि आप इतने सारे भाई लोग हमारे बर्ड सेटअप को इतना ज्यादा पसंद करते हैं, तो हर बार हम कुछ ना कुछ चेंजिंग करने की कोशिश करते हैं, जैसा कि हर बार हम नया पेंट करते हैं बर्ड सेटअप में, कुछ ना कुछ नया बर्ड एड करते हैं बर्ड सेटअप का, कुछ ना कुछ पार्ट बढ़ाते रहते हैं। तो दोस्तों ऐसे काम काफी सारे करते रहते हो। साथ ही दोस्तों मटकियों की सफाई करने का फायदा यह है कि पिछली बार जिस बर्ड ने ब्रीडिंग की थी, तो ऐसा होता है अगली बार कोई दूसरा बर्ड उस मटकी में ब्रीड करेगा, तो एक बार मटकी की पूरी अच्छे से सफाई, ताकि मटकी बिल्कुल नहीं हो जाए, और अच्छे से पेंट कर देना काफी जरूरी रहता है कि एक बर्ड का इन्फेक्शन दूसरे बर्ड में ना फैले। दोस्तों जब मटकियां हटती हैं उस समय भी सफाई होती है, और जब मटकियां वापस लगती है तब भी सफाई की जाती है।